गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुरेश व्लॉग्स। सो हमेशा की तरह गर्मा गर्म चाय से आपका स्वागत कर रही हूँ। देखिए, मैं इस तरीके से हरी मिर्च, अदरक, इनको अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर ऐसे डिब्बे में करके रख देती हूँ, तो ये फ्रेश रहते हैं। सो ऐसे रखने से एक आपको ईजी रहता है कि आपको जब भी यूज़ करना है आप निकालो और यूज़ कर लो। जब कल सामान लाए थे तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो अभी मैं इसको निकाल करके और सैनिटाइज़र से पोंछ कर इसको रख दूँगी इसकी जगह पर। सो ये ना कल की क्लिप है। एक्चुअली कल हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन आई थी, कल अष्टमी थी, और कल क्या हुआ, मॉर्निंग में मेरी जो पुरानी ये मशीन है, ये जो आप देख रहे हो, ये अचानक से पता नहीं इसमें क्या हो गया, वॉशटब चलना बंद हो गया, जबकि इसके ड्रायर में प्रॉब्लम था, थोड़ा ड्रायर सही से नहीं चलता था। तो फिर ऋषभ शॉप के लिए निकले और वो लेकर ही आ गए, मतलब उन्होंने ले लिया और दोपहर को भिजवाई थी। तो वही शॉप का लड़का जो काम करता है वो आया था, और जो एक लेकर आया था रिक्शे से, वो दोनों मिलकर चढ़ा रहे थे। तो ये आज मॉर्निंग की क्लिप है, तो ऋषभ ये लगा रहे थे, उन्होंने बोला कि चलो इसको खोल देते हैं। वो मुझसे ही बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं आप आकर खोलना, फिर रात को ये थके हुए, तो उन्होंने कहा चलो सुबह ही यूज़ होनी है, सुबह ही खोलते हैं। तो वही ऋषभ अभी इसको ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, पापा बेटे का प्यार चल रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑयल लगा रहे हैं, अच्छे से मालिश कर रहे हैं। इसको ना ऋषभ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब प्यार तो मेरे से भी बहुत करता है, लेकिन इसको ऋषभ से बहुत अटैचमेंट है, मतलब पापा के आगे कुछ नहीं। क्यों किचन में, और आज मैंने एक नॉर्मल सी आलू की सब्ज़ी बनाई है टमाटर डाल करके, और मैंने लौकी भी बनाई है बट मैंने वो कैप्चर नहीं की। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने बेड शीट भी बिछा दी। तो यहाँ ऋषभ जा रहे हैं शॉप। आप लोग कैसे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुरेश व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस कपड़े थोड़े से बाहर पड़े हुए हैं तो वो मुझे उठाने हैं। और आज काफ़ी जल्दी कपड़े सूख गए क्योंकि मशीन नहीं है, तो इस वजह से अच्छे से वर्क कर रही है। जो हमारी पुरानी मशीन थी उसमें थोड़ा सा ड्रायर का भी प्रॉब्लम आ रहा था, और कल तो वॉश टब ही बिल्कुल बंद हो गया, तो इस वजह से हम लोग को फिर नई लेनी पड़ी। वरना मैंने सोचा था कि जब तक यहाँ रह रहे हैं इसको चलाते हैं, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, बाहर खुले में रहती है तो धूप उप सब पड़ती है, मतलब बारिश होती है, थोड़ा बहुत पानी भी जाता है, इस वजह से ना बहुत खराब। वरना तो जहाँ हम लोग फ्लैट पे रहते थे बिल्कुल नई थी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। जब से यहाँ आई है पता नहीं कितनी बार तो रिपेयर हो चुकी है, तो इस बार मशीन वाला ही बोल रहा था कि भाभी इसको रिपेयर मत कराइएगा, आप न्यू ले लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी पैसा लग चुका है। तो इस वजह से और अच्छे दिनों में आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। और आज मम्मी के रूम में लग गया है वाइट वॉश, तो मैंने बताया था ना पीछे बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी सीलन थी हमारे रूम में। तो अभी हुआ था होली में, ऊपर का रह गया था, ऊपर का मम्मी ने बोला था बाद में दिवाली के टाइम करवाएंगे। तो अभी जैसे पेंटर्स भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं दिवाली के टाइम, तो बड़ी मुश्किल से तो पेंटर ही मिला है। तो स्टार्ट हो गया है आज से, शायद 2-3 दिन में हो जाएगा पूरा काम, क्योंकि स्टेयर्स में भी होना है, तो आज वही सब हो रहा है और काफ़ी काम फैला हुआ है। और ऋषान की भी हॉलीडेज चल रही हैं दशहरे की, तो कल से स्टार्ट हुई हैं, अब इसका खुलेगा सीधे मंडे को, तो इसकी तो मस्ती ही चल रही है, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो रखी है इस टाइम पे, होता ही है बच्चों की हॉलीडेज में पढ़ाई बहुत कम हो जाती है, बट मैं पढ़ा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। कल मैंने इसको ओरल्स ही करा दिया था, रिटर्न इसका मन नहीं था करने का, और मैं थकी भी थी कल क्योंकि हाथ से कपड़े धुले थे कल। और मैं क्या बता रही थी, अभी तो बस मुझे बाहर से कपड़े लेने जाना है, तो मैं कपड़े ले आऊं और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा सा।
him to dim the lights. मैंने उसको बोला कि लाइट को धीमा कर दो. डिम मतलब धीमा. द टिन एंड पिन आर इन द बिन. ये देखो कैन है. कैन किसका होता है? टिन का बना होता है कैन. और ये पिन दोनों कहाँ में है? डस्टबिन में. तो द टिन एंड पिन आर इन द बिन. सो यहाँ पर मैं रिशान को एक बार रीड करके बता रही हूँ कि कैसे रीड करना है. जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं एक बार मैं बता दूंगी, फिर वो खुद से रीड करेगा. आई टो हिम टू डिम द लाइट्स. वेरी गुड. टिन एंड पिन आर इन द बिन. वेरी गुड. डिप द कुकी इन द मिल्क and tip the milk. Very good. A bee bit a man and no he ran. He hit a tree and fell. Fell मतलब गिरना. Fell in a pit. Very good. Pins on the big mat. Very good. So guys, रिशान की पढ़ाई हो चुकी है. मैंने उसको पढ़ा दिया, रिटर्न भी करा दिया और रीडिंग भी करा दी है. और अब मैं चाह रही हूँ पापा और ऋषभ का टिफिन पैक कर दूँ. फिर टिफिन भेज करके मैं इसको सुला दूंगी और अपना वीडियो एडिट करना है. और आज ही मैं डाल दूंगी अपना वीडियो. तो मैं फटाफट से टिफिन पैक कर लूँ. गाइस टिफिन भी पैक हो गया है. अभी बस लड़का आएगा और ले जाएगा. और उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज मैं फिर क्लीन कर लूँ रिशान को सुला करके, क्योंकि बाकी तो थोड़े बहुत काम होते ही जा रहे हैं. मैंने ना रिशान की उसके कबर्ड के लिए मंगाए थे मैट्स, बट पता नहीं क्यों वो डिलीवरी इतनी लेट हो रही थी तो मैंने कैंसिल कर दिए. वो जो आते हैं ना वार्डरोब वाले मैट, वो मैंने मंगवाया था रोल, बट वो आ नहीं पाया. तो मैं देखती हूँ अमेजोन से एक बार ऑर्डर करके अगर आ जाता है. वैसे मैंने रिशान की अलमीरा क्लीन कर दी है, बट मुझे अभी कुछ सामान ऑर्डर करना है. लाइक बास्केट्स ऑर्डर करनी है जिसमें मैं प्रॉपर इसके टॉयज वगैरह जो इधर उधर पड़े रहते हैं उनको रख लूँ. और इसका थोड़ा बहुत सामान रहता है. बाकी इसकी अलमीरा बिल्कुल क्लीन है, मैंने साफ कर दी थी. बस अभी मेरी बचती है तो मुझे वो करना है, वो की करनी है और बेडशीट वाली करनी है. बाकी फ्रिज का थोड़ा सा काम है, क्योंकि फ्रिज में वो सारी ट्रे वगैरह वॉश करनी होगी. तो वो मैं देखती हूँ आज करूंगी या फिर मैं कल कर लूंगी. तो बस मैं टिफिन दे दूँ, आने वाला होगा, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. हाय गाइस, सूर्य शान मेरा सो चुका है और मेरी भी हल्की सी आंख लग गई थी, बट मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे ऊपर पेंटर लगे हैं तो उनके लिए चाय बनानी है. तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं फटाफट से चाय बना लूँ और ऊपर दे आऊँ, जाके मम्मी को भी देनी है और दो पेंटर लगे हुए हैं तो दोनों को देनी है. तो मैं चाय बनाती हूँ. सो ये मैंने चाय निकाल दी है. अब सो मैं ये चाय ऊपर देने जा रही हूँ और मैं इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ. और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा. अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा. तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए.